सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। सोनोटेक के सिट सुनो, मन पसंद इतिहास, ऋषि पाल को सिंदर जिसके कलाकार है खास। कलाकार है खास बताते जिनका ग्राम खदाना, और यूपी में जिला बुलंद शहर गंगा नजदीक ठिकाना। प्रेमी सदरों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं सोनोटेक केसेट के माध्यम से। सोनोटेक केसेट के माध्यम से किस्सा चंद्र किरण का दूसरा भाग। अब तो मदन सेन के धुने से ढेर सारा धुआं चंद्र किरण के महल में पहुंच गया है। जी घुट गया चंद्र किरण राजकुमारी का, दासी को डांटते फटकारते हुए चंद किरण कह रही है, तुझे कुछ दिखता नहीं, मेरे महल में धुएं के मारे अंधेरा अंधकार हो गया है। मेरा जी घुट लिया और जाती नहीं, तू किस बात की तनख्वाह लेती है मेरे महल में, तू क्यों नौकरी करती, तुझे बैरा नहीं। परमेश्वर दासी महल से नीचे आ गई और बाबा जी से कहने लगी, तू कौन है, कहां का मोटा है, तेरे हमारी राजकुमारी चंद्रों को नाराज कर दिया है। लेकिन बाबा जी कहता है, रास्ते में इश्कबाजी के गुजर के तो देखो, अनजाने उल्फत को जमाने में नजर भर देख लो, पास में आओ न तो बचकर निकल जाओ, प्यार से नफरत है गर महबूब चलकर देख लो, इश्क में पागल है आशिक हो गया है। किस तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं बांदी और मदन सेन बाबा जी के। ओ बाबा जी कहिए बांदी, तू अपने इस धोने नठा ककड़ा और चला जा अड़े ते। क्यों के मतलब? मतलब भी बताना पड़ेगा। मतलब भी बताओगे? ए बली रहने को दुनिया में मुस्कान आशिक, कूचाए जुल्प है या गोशाए तन्हाई, इसका जो के इजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। मारा मतलब कुछ और है बांदी। ओ पापा जी धूना ठाले कती नहीं ठाऊंगा, जी घुटता राज कुमारी का, ये धुआं हवा की गैल चले कुछ खोट नहीं तपधारी का, खोट नहीं तपधारी का। ओ पापा जी धूना ठाले जी घुटता राज कुमारी का, धुआं हवा की गैल चले कुछ खोट नहीं तपधारी का, खोट नहीं तपधारी का। धूना लावण की खातर हस
अस्थान ये चोखा पाया रे, अस्थान ये चोखा पाया रे। मेरा सर चकराया रे, मेरा सर चकराया रे। तू हुक्म अदूली जो कर राना, दिखे रस तुम्हारी का। तेरे राजा का नौकर ना, सेवक हूँ कृष्ण मुरारी का, सेवक हूँ कृष्ण मुरारी का। धुआं हवा की गैल चले, कुछ होट नहीं तप धारी का, होट नहीं तप धारी का। बंदी हैदराबाद ये धुआं तो महिला ने जान बूझ के भेजा गया है। अच्छा हाँ, हवा के साथ महल मेरी जावे से, साथ महल में जावे से। वहाँ खास खास के हुई बावली, उसका घबरावे से। उसे एक कड़वासी बिठा दिए, क्यों धुएं के धोरे आवे से, धुएं के धोरे आवे से। दुनिया सारी का ओ बाबा जी, धुना थाले घुटना राज कुमारी का। ये धुआं हवा की गैल चले, कुछ दोष नहीं तप धारी का, दोष नहीं तप धारी का। बंदी कह दे बाबा, मेरी एक बात मान ले। मैं तो तेरी दो मान लूंगी, तो मेरी एक मान ले। धुने ना थाले इसमें दूसरा राजकुमारी चंद्र के वो धुए कर एक कड़वासी बिठा दे कहीं जाके। मैं तो तने बैठा बनाई हूँ, लेकिन बैठा कहा, सारे महल में धुआं हो रहा है। हाँ, यो भी गलत की बात है। बोलो बंदी। तू बाबा जी माने तो ना, के बाप का राज तुम्हारा से। हम साधु संतों का तो अपना संसार यो ही से, संसार यही सब सारा से। तू साधु ना ढोंगी दिखेगा, इतनी जिद पे आ रहा से। तू बंदी धोसी जमाने लगी, भूली सम्मान हमारा से, इरियादर भूली मारा से। बात तुम्हारी का उत्तर दिया, बात तुम्हारी का। अरे ओ पापा जी, धुना ठाले दी घुटरा राज कुमारी का। ये धुआं हवा की गैल चले, कुछ खोट नहीं तप धारी का, खोट नहीं तप धारी का। पापा जी कहिए बंदी, मैं तेरे ठीक समझाऊं। सुन धुने ठाले, तू के समझा रही से धुने ठाले। हाँ, अगर राजकुमारी चंद्र किरण ने धुआं सतारा है तो एक काम कर ले, इस अपने महल में खा ले जा। अच्छा हाँ, महल तो नहीं उठने का, तो ये धुना भी नहीं उठ के जाएगा। अच्छा जी, ये कोई ऐसा वैसा बाबा जी नहीं। मेरी बात सुन ले, सुना दे। तेरी के मजबूरी बाबा जी जो माने ना समझाने ते, मेरी भक्ति खंडित हो जागी, भर में धुना ठाने ते, बांधी धुना ठाने ते। मारी राजकुमारी घनी तेज मन है, देखिए मारे वो लाने ते। आखिर राजा की बेटी सेवा, जागी मान बकाने से,
जागी मान बताने से तू हर राम के नाम हमेशा पवन पुत्र बल पाई तेरी लिखने ते पहले ध्यान धरूं मैं रात शारदा प्यारी का मात शारदा प्यारी का ओ पापा जी धुआ हवा की गैल चले कुछ खोट नहीं तप धारी का खोट नहीं तप धारी का शहर शहर में ढूंढा है तुमको कहीं भी नजर ना आई तुम हमको अच्छा हुस्न के काफले तो बहुत मिले लेकिन हम बहला ना सके अपने इस पागल दिल को मुझे तो तुम भी पूरे ही पागल लग रहे हो दिल की वजह चंद किरण हम तुम्हारे दीवाने हैं अच्छा और हम बाबा के चेला हैं इनके हाथ का मंडल दे दो अरे जो गिरे सहजादी तो फिर भटकता यो जोगी किसे नार के लिए तेरे प्यार के लिए अरे जोगी रे सहजादी तो फिर भटकता यो जोगी किसे नार के लिए तेरे प्यार के लिए हो रहा है और ये जो मेरा गाना है बाबा जी का ये मेरा ढोंग है तेरी चाहत में बर्बाद हो गया आ जाओ और सुन ले थोड़ा सा अरे तू राजा का लड़का लागे श्रवण जैसी काया रे एक नारी के चक्कर में मैं वेश बदल के आया रे तू कौन देश का रहवनिया किस देश मानपुर से मेरा पिता वीर सैन का जाया रे अरे तो की रे सहजादी तू यहाँ पे आया लागे निया प्यार के लिए तेरे प्यार के लिए अरे तो की रे सहजा भटकता यो जोगी किसे नार के लिए तेरे प्यार के लिए कहते बाबा पहले यू कहना चाहे क्या फिर मेरा प्यार तेरे पर क्यों शुरू हुआ तेरी खटक मेरे दिल में क्यों लगी मन में नहीं मेरा तू ही बता दे मैं बता दूं हाँ जिसके कारण घर छोड़ा वो कौन सलोनी वीर तेरी
मेरे सपनों की शहजादी से चंद किरण तकदीर मेरी तन बिन देखे तरिया प्रेम खोज के सैकर लई फकीर मेरी छाती के माँ खटक लगी जब देखी थी तस्वीर तेरी रजोगी रे सहजादी तने अपना सब कुछ त्याग दिया दिल तार के लिए तेरे प्यार के लिए अरजोगी रे सहजादी तेरे भटकता यो जोगी किसे नार के लिए तेरे प्यार के लिए कहने बाबा जी जब से तेरी तस्वीर तेरा फोटो देखा मेरे दिल में ये चेहरा बस गया। अच्छा प्यार भूल में कर बैठा ना कुछ भी करा बेचार तने तेरे कारण चंद्र किरण सब छोड़ दिया घर बार मने अरे तेरे जैसे दीवाने अब तक मिल गए हजार मने मैं अपने प्राण गमा दूंगा तेरा मिला नहीं जो प्यार मने हर तो की रे सहजादी तन काफी कष्ट उठाए अपने प्यार के लिए तेरे प्यार के लिए हर तो की रे सहजादी तेरे भटकता यो जोगी किसे नार के लिए तेरे प्यार के लिए कह दे बाबा जी तेरी बात सुन लो ये तेरे प्यार का झंझट है अच्छा? और कोई बात नहीं मेरी बात नहीं सुन ले तो अपनी तो कह गया तू तो कहती जा रही है और मैं सुनता जा रहा हूँ मेरे जैसे हजार तने मिले ऐसा कुछ मना तो बतेरे मिले ऐसा नहीं मिला होगा आज तो तू मेरा साथ निभा देगा मैं कैसे तेरा यकीन करूं तू एक बार कह दे प्यारी तेरे सामी सीना ची धरूं मैं प्यार तेरे से करने लगी पर पिता श्री से घनी डरूं मैं दुनिया ते टकरा जाऊंगा चिंद करण जीव तने वरूं अर जो की रे सहजादी अरे राम वैसला भी आवे पर सार के लिए तेरे प्यार के लिए कह रहे हैं मदन सेन मोहब्बत की गर्मी भी क्या चीज है इस मोहब्बत की गर्मी भी क्या चीज है तबीयत मेरी क्या से क्या हो गई सजनों उधर मदन सेन भी तो जवाब देते हैं कहते हैं इसका अंजाम बुरा होता है लोग कहते हैं इसका अंजाम बुरा होता है अब जो कुछ भी हो मोहब्बत को निभाना है किस तरह से वादा करती है बताती है चल के मैं तेरी बाट देखूंगी मेरे चौबारे पर आ जाना जब आज की रात हो जाए जब आधी रात बजे बारह तब मैं देखूंगी बाट तेरी मारे महल में आ जाइए मिले चौबारे में खाट तेरी बजे बारह तब मैं देखूंगी बात तेरी मारे महल में आ जाइए मिले सोबारे में खा तेरी
अंधेरी छाए सारी दुनिया जब सो जाए सारी दुनिया जब सो जाए जो तमन्ना मेरे धोरे आए जो तमन्ना मेरे धोरे आए दासी रहे वो चाट तेरी मारे महल में आ जाइए मिले चौबारे में खाट मेरी आधी रात बजे बारह तब मैं देखूंगी बात तेरी मारे महल में आ जाइए मिले चौबारे में खाट मेरी दिल मिलने को चाहे रनिंदिया तेरा चैन चुराए रनिंदिया तेरा चैन चुराए कर लीजे मन के चाहे रे कर लीजे मन के चाहे जो बनकी लगी मिले हाथ मेरी मारे महल में आ जाइए मिल चौबारे में खाट मेरी आधी रात बजे बारह तब मैं देखूंगी बात तेरी मारे महल में आ जाइए मिल चौबारे में खाट मेरी तेरी हुई दीवानी गेरी रयाग के ऊपर पानी पिसियर बनके दिलवर जानी पिसियर बनके दिलवर जानी ओस में लीजे चाट मेरी मेरे महल में आ जाइए मिल चौबारे में खाट मेरी आधी रात बजे बारह बजे बारह तब मैं देखूंगी बात तेरी मारे महल में आ जाइए मिल चौबारे में खाट मेरी तू जाइए रस्सी लटके तू चढ़ आइए रस्सी लटके तू चढ़ आइए हरे राम ले स्वर में गईये हरे राम ले स्वर में गईये सरज है चार कांच तेरी मारे महल में चौबारे में खाट मेरी आधी रात बजे बारह रे आधी रात बजे बारह तब मैं देखूंगी बात तेरी मारे महल में आ जाइए मिल चौबारे में खाट मेरी कह दे चंद्रग्रह कह दे तू मेरे दिल का चाहे छ ये तो तने मेरा पड़ जाना चाहिए था जब याद तुम्हारी आती है दिल थाम लेता हूँ जब याद तुम्हारी आती है मैं दिल थाम लेता हूँ अच्छा तू टपक पड़ते हैं जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ ओहो ऐसी बात है मेरी बात सुन ले कह दे मैं धुने पे दुख पाऊं तुलेरी ठाट चुवारे में मजा किरकिरा हो गया अच्छा
राजपाट का मालिक था, कर मेरा किरकिरा लाड दिया। तेरी मौज मच्छरा ने मेरा सारा घाट उपाड़ दिया। तेरे जबर उल्हाने ने मेरा सारा नक्शा झाड़ दिया। बड़ा मैं ढूंढने पे तपू बिछी तेरी खाट चुबारे में, इन महला के दरवाजे पे तो दो पहरेदार खड़े। चुपके तभी तेरी आ जावे, मर जाने ते बाहर खड़े। के मरवाणारी मन ने चाहवे वो लेके ने हथियार खड़े। इधर उधर ने टहल रहे ना, एक जगह लगातार खड़े। ले जो पड़गी भनक मने देंगे वो काट चुवारे में। तू एक बे आजा मेरा ना जा काट चुवारे में। एक बात सुन ले कह दे सूर्या की किरण, कहीं एक कड़वा सीरी मिल लेंगे तू आजा किसे बहाने ते। अच्छा बहाना भी देखना पड़ेगा। कहीं एक कड़वा सीरी मिल लेंगे तू आजा किसे बहाने ते। काली रात अंधेरी में खुले भेद बाहर में बयाने ते। मन तन की बतला लेंगे जाके कहीं दूर ठिकाने ते। है औरत की जात बात कुछ समझ लिया समझाने ते। तू शहद की मच्छी सुन ले, शहद की भरी कटोरी जाऊं तने चाट चुबारे में। मैं ना तेरे ते बाहर रति भरे घाट चुबारे में। कह दे मेरी चुकर तेरे धोरे आऊं, मन मेरा है बताइए तू। मुझको ना कुछ भी सूझ रहा इब कोई रस्सी हो तेरी बांध दिए पिछवाड़े ने लटकाइए तू। उस रस्सी के जरिए साजन मेरे मेला में आ जाइए तू। ऋषि पाल को सिंदर बैठे जाट चुवारे में। राम वैसला सिंदर आसा जाट चुवारे में। मैं सुनने को समझा जाता है कि मदन सैन चंद्रकरण के बताए हुए रास्ते पर पहुंच गए। पिछवाड़े कमन यानी रस्सा लटका दिया गया, उसके सहारे पहुंच गया। अब तो आना जाना दिन में ढूंढने पे भजन पूजा पाठ का ढोंग करना और रात को इसी तरह से चंद्रकरण से मिलना। अब तो ऐसा मोड बदल दिया वक्त ने कि आते जाते मदन सेन को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस ले गई, गिरफ्तार हो गया है। किस तरह से सोच रहा है मदन सेन? लोग गैरों को कहते हैं, लोग गैरों की बात कहते हैं। हमने तो अपनों की बात अजमाई है, लोग कांटों को कहते हैं। हमने फूलों से चोट खाई है। प्रेमी सजनों उधार चंद्र प्रभा जो मदन सैन की ब्याही है, उसे सपना आया है और सपने की बात अपनी सासू से कहती है, यानी मदन सैन की मासी कहती है। आइए सुनिए। सपने के माँ बिगड़ लई
साजन हो गए बंद कैद में रात सासू जी रात सासू जी मेरे सपने के मत जड़े लई मारी रात सासू जी साजन हो गए कैद जेल में रात सासू जी रात सासू रही मेरी काया चंद किरण के महल के नीचे पति ने धुना लाया उस मर जानी सौकन ने नीचे ने रसा लटकाया री रसा लटकाया हर राम कहे सब कुछ हंस सात सासू जी
रात सासु जी, रात सासु जी, मेरे सपने के बाप दड़ लई मारी बात सासु जी, मेरे साजन हो गए कैद जेल में रात सासु जी, रात सासु जी। मदन सैन जेल के अंदर और चंद्र प्रभा मिलने के लिए आ गई है, बूझ रही है क्या हो गया प्राणनाथ, तू कह रहे हैं कसूर इन आंखों का था, कसूर इन आंखों का था, दिल पर छुरी चल गई, देख करके हुस्न को मेरी तबीयत मचल गई, तू कह रही है इस इश्क का, इस प्यार का अब मजा ले लो, किस तरह से ये सुनते हैं प्रेम रूपी खेल का, प्रेम रूपी खेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, यहाँ पे तू आया कैसे प्यार की तलाश में, देख ले तू आज कौन कौन तेरे पास में, प्रेम की नकेल का, प्रेम की नकेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, आशिकी का नाम बुरा काम ये से गंदा, मिलता है प्यार और फांसी का फंदा, प्रेमिका के मेल का, प्रेमिका के मेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मालिक के पास तेरे कर्मों की किताब है, जैसा करेगा उसका वैसा ही हिसाब है, हाथों की बेल का, हाथों की बेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए,
हरे राम बेस लाया कौन तेरा साथी, तूने जिस चाह तेरा हुआ नहीं माटी। पासी और फेल का, पासी और फेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, प्रेम रूपी खेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए, जिंदगी की जेल का मजा लीजिए। प्रेमी सल्लू मदन सेन के सामने जब यहां का चंद्र पर होने ये सारी बात कही, प्राणनाथ एक वो दिन था कि जब तुम इस चंद ग्रंथ के फोटो को छाती से लगाकर हटते थे, मैंने इनकार किया था, गैर वीर का कोई भरोसा नहीं होता। आज वो वक्त आ गया, मेरी बात सही निकली, आज तुम उस चंद ग्रंथ के चक्कर में फंस जाने के बाद जेल की चार दीवारी के अंदर बदनामी कितनी हो गई है तुम जानते नहीं। तुम एक राजा हो सज्जन साहिबानों, अब तो जेल से भी छूट जाते हैं। मदन सेन और परिणाम यह होता है कि मदन सेन की शादी चंद्रकिरण के साथ हो गई। चंद्रकिरण को जब महलों में रखने लगे तो चंद किरण चंद्रप्रभा से जलती है, और जिस तरह से मदन सेन से कह रही है, आइए सुनते हैं दोगा निकल। तू इस सौकन ने मार मने जो सच्चे दिल ते चाहवे से, मोड़ बांध के ब्याही क्यों इसे चंद्र किरण कढ़वावे से, इस सौकन ने मार मने जो सच्चे दिल ते चाहवे से, मोड़ बांध के ब्याही क्यों इसे चंद्र किरण मरवावे से। बासी पड़ी रहेगी इसमें के नुकसान तेरा, जो सपन घर में रहेगी प्यों तो घना अपमान मेरा, दूर झोपड़ी गिर बाजू रहे सारा महल मकान तेरा, समझ मेरी आवे से। समाई ना काया के मैं पाले हो
ना जिसे चाहती है। मारे पिया खोटी, मारे पिया
राखी तलवार ना धरे रे प्यार खोटी धारे पिया हासर ने धारे पिया के गोट से जाही का हारे मत मारे पिया तू खोटी धारे पिया रे हसर ने धारे किसी के माध्यम से आपकी सेवा में चल रहा है।
हमारे गायो है किससे में आप डिजिटल रिकॉर्डिंग में सुनेंगे और किससे उपलब्ध हैं अंजना पवन वीर हकीकत राय अजीत सिंह राजवाला ऐसे अनेक धार्मिक किस्से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यहीं पर प्रोग्राम का समापन किया जा रहा है। श्रोताओं जय हिंद जय भारत।